हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में मैं अपने एसू ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 में जो एंड्रॉयड 9.0 पाई का बीटा अपडेट मैंने इंस्टॉल किया था, जो कि ऑफिशियल अपडेट है, उसका फुल रिव्यू देने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि क्या कुछ चेंज लॉग यहां पर हुआ है और क्या कुछ बग्स आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उससे पहले गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन में इसको इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको ये अपडेट अब तक नहीं आया है। अगर आप स्टेबल पे हो एंड्रॉइड के ओरियो 8.1, तो कैसे आप बीटा इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। डेफिनेटली आपको यहाँ पर बग्स मिलेंगे, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत चेंज लॉग आपको बता दिया था, जो कि फर्स्ट लुक मैंने उस वीडियो में आपको दिया था। तो उस वीडियो का कार्ड ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। अब गाइज़ बात करते हैं इस वीडियो की। तो गाइज़, एसूस ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डाल के यहाँ पर बीटा साइनअप कराया था लोगों से। मैंने भी किया था बट मुझे ओटी अपडेट नहीं आया था, तो मैंने मैनुअली अपडेट करके उस वीडियो में आपको बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ यहां पर कमियां छोड़ दी हैं एसूस ने और एज ऑफ नाउ क्या क्या फीचर्स यहां पे अवेलेबल हैं और क्या क्या यहां पर बग्स यहां पर ऐड कर दिए गए हैं। तो ये सब कुछ यहां पर बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉर्मल यूजर इंटरफेस है वो टिपिकल आपको एंड्रॉयड ओरियो जैसा ही मिलेगा, जैसे कि पहले आपका देखने को मिलता था। बट यहां पर छोटे मोटे कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, जैसे कि लॉन्चर 2 तो यहीं पर देखने को मिलता है, लॉन्चर 3 नहीं मिलता है। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पर अपने स्टेटस बार में, तो स्टेटस बार में जो आइकन आपको मिलते हैं वो थोड़े डिफरेंट है। जो हमारा सिग्नल स्ट्रेंथ है वो पहले लेफ्ट में आती थी, अब राइट में आ रही है। और वाईफाई आइकन वगैरह, बैटरी परसेंटेज थोड़ा यहाँ पर चेंज किया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक डॉट्स यहाँ पर आती है अपने स्टेटस बार में, अगर ज़्यादा ऐप्स यहाँ पर आपको शो होती है तो यहाँ पर डॉट आती है और एक आइकन आपको शो होता है। टाइमर लेफ्ट में आता है। यहाँ पर AM/PM डिसेबल था तो यहाँ पर इनेबल कर दिया गया है। बाकी जनरल आपको इस तरीके की होम स्क्रीन मिलती है। उसके बाद ऐप ड्रॉअर भी जस्ट सिमिलर है पहले की तरह ही। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं क्योंकि टॉगल्स की, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं पाई वाले, जो कि रीडिज़ाइंड है, बिल्कुल काफ़ी कमाल के लगते हैं। यहाँ पर एडिट बटन है तो एडिट भी कर सकते हो अपनी टाइल्स को, तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस कुछ इस तरीके से मिल जाती हैं सारी। उसके बाद वॉल्यूम रॉकर्स हमें इस तरीके से मिल जाते हैं, जैसे आप मीडिया वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। यहीं पे आपको साइलेंट वगैरह करने के लिए, म्यूट करने के लिए मिलता है। डायरेक्टली सेटिंग में जंप कर सकते हो। पावर बटन हमें इस तरीके से मिल जाता है, तो यहाँ पर आप पावर ऑफ करने के, रीस्टार्ट वगैरह, इमरजेंसी के ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फ़ोन की सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स कुछ इस तरीके से दिखने को मिलती है, जो रीडिज़ाइन यहाँ पर यूज़र इंटरफेस है। बट जो फीचर्स यहाँ पर मिसिंग है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं बैटरी में, तो यहाँ पर अडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन है वो सिंपली मिसिंग है। और उसके बाद यहाँ पर आप जाते हैं डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अडेप्टिव ब्राइटनेस है, तो ये अच्छी तरीके से काम करता नहीं है अभी। और यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर आपको दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। डार्क थीम है, जिसमें आपके क्विक टॉगल्स और अपने वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन डार्क होता है, सेटिंग्स यहीं की वाइट रहती है। उसके बाद आप जाएंगे एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में, तो यहाँ पर आपको एक फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का है। अगर आप इसको टर्न ऑन करते हैं देन आपके नेविगेशन बार में कुछ इस तरीके से एक बॉय आइकन आ जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट यहीं से आप ऑन कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जंप कर सकते हैं। पावर बटन है, वॉल्यूम कंट्रोल्स कर सकते हैं, रीसेंट ऐप्स है, लॉक स्क्रीन है, क्विक सेटिंग्स है, नोटिफिकेशन है, स्क्रीनशॉट, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहीं पे क्विकली एक्सेस मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप जाओगे सिस्टम में, देन जो अबाउट फोन का सेक्शन है वो एडवांस से हटाकर यहाँ टॉप पर कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एंड्रॉइड का वर्जन 9 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। 1 जनवरी 2018 का सिक्योरिटी पैच है, बिल्ड नंबर आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई चेंजेस की। और कुछ यहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस में अगर आप जाओगे तो कुछ सेटिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलती है, जैसे कि नॉच लेआउट वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ से एनिमेशन जो स्केल है वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो किया हुआ है वो 0.5x किया हुआ है, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर और भी ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, तो वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं बैक, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर डिजिटल वेलबींग का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जो कि सिंपली यहाँ पर मिसिंग है। तो यार ये बहुत बेकार मुझे लगा है। हो सकता है जो नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट्स आने वाले हैं स्टेबल वाले, तो उसमें ये ऐड कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम क्विक टॉगल्स में, तो यहाँ पर आपको नाइट लाइट का फीचर जो है, ब्लू लाइट फिल्टर, जो कि हमें एंड्रॉइड ओरियो 8.1 में मिलता था, वो यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद गाइज ये जो बॉटम पे स्क्रीन का कटआउट है आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही रफ़ एजेस देखने को मिलती हैं। जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तब हमें ये देखने को मिला था, बट फिर से ये बग यहाँ पर आ गया है इस अपडेट में। हो सकता है ये स्टेबल में फिक्स हो जाए, बट यार बहुत अनॉय करता है ये और इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो ये बग है। उसके बाद पबजी में जो क्रैकिंग साउंड है, कल रात को मैं पबजी खेल रहा था,
मुझे पर्सनली ये फेस करना पड़ा है। तो गाइस पहले मुझे लगा था कि जो क्रैकिंग साउंड है ये सिंपली नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा होगा। फिर मैंने मदन गायकवाड़ भाई से बात की जो कि मदन गायकवाड़ यूट्यूब चैनल से हैं, नमन भाई से बात करी जो कि एंड्रॉयड यूट्यूब चैनल से हैं, तो दोनों को सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। उनके पास भी एसुस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 है, तो उनके चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो कैमरा की हम बात करें तो स्टिल जो पुराना वाला कैमरा एप्लीकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ भी नया नहीं है। कैमरा से रिलेटेड हम एक और बात करें तो गाइज यहाँ पर जो कैमरा टू API है वो यहाँ पर डिसेबल कर दिया गया है। अगर आप मैनुअल कैमरा कंपैटिबिलिटी ऐप को डाउनलोड करके चेक करके देखोगे तो अगर आपके फ़ोन में पहले से कैमरा टू API इनेबल थी तो वो डिसेबल हो जाएगी इस अपडेट को करने के बाद। और उसके बाद आप ट्राई करोगे इनेबल करने की, तो एज ऑफ नाउ आप कैमरा टू API को इनेबल नहीं कर पाओगे अपने ASUS ZenFone Max Pro M2 में। हो सकता है स्टेबल में ये इनेबल करने का ऑप्शन मिले, और हो सकता है कि स्टेबल में हमें बाई डिफॉल्ट इनेबल मिल जाए, तो वो आने वाले टाइम में मैं आपको वीडियोज़ बना के बता दूंगा। तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। स्टिल यहाँ पर जो टच इशूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया कि टच इशूज़ हैं, और नमन भाई ने भी बताया, मदन भाई ने भी मुझे बताया था। एंटूटू स्कोर की यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो हमारे नमन भाई ने ये चेकआउट किया था, मैंने ये पर्सनली चेकआउट नहीं किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो 130,000 के आसपास पहले एंड्रॉयड ओरियो 8.1 में था, अब जो पाइक अपडेट आया उसमें आपको 117,000 के आसपास मिलता है, तो 117,000 मिलता है, तो ये भी डाउन है यहाँ पर एंटूटू स्कोर की हम बात करें तो। बट ये तो ऑन पेपर बात हो गई, तो इस पर हम इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँ कि एक्सपेक्टेशन तो ये थी लोगों की कि कैमरा टू API इनेबल होगा यहाँ पर, तो वो तो नहीं हुआ है, वो स्टेबल अपडेट में हम देखते हैं कि कैसे होता है। उसके बाद जो अपना गूगल कैमरा है वो यहाँ पर सिंपली क्रैश कर रहा है, क्योंकि कैमरा टू API डिसेबल हो गया तो ऑब्वियसली क्रैश करेगा ही करेगा। तो कुछ फीचर्स भी मिसिंग है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड की, तो स्टिल यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। हमारे फ़ोन में जो बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन स्पीड है वो 0.5x होती है डेवलपर सेटिंग्स में, उसके बाद भी ये स्लो है। तो अगर आप 1x करते हो तो ये और ज़्यादा स्लो हो जाता है। फेस अनलॉक की स्पीड स्टिल यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलती है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर अनॉय करी है वो है रिसेंट ऐप पैनल, जो कि पाई वाला देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। स्टिल एंड्रॉयड ओरियो 8.1 वाला पैनल देखने को मिलता है, जो कि बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है और मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं आया है। बट ASUS ने अपने जो बीटा अपडेट के साइन अप करते हुए एक एग्रीमेंट शो होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़े बहुत फीचर को निकालते हैं डालते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिल सकता है। डेटा लॉस देखने को मिल सकता है और यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो ठीक है वहाँ पर मेंशन किया गया था, तो ये सब आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। तो वो सब कुछ पहले ही बता दिया गया था, बट हो सकता है यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट अपडेट आए वहाँ पर सारे फीचर्स आपको प्रॉपर्ली देखने को मिल जाए। तो गाइज़ इस अपडेट के बाद यहाँ पर चार्जिंग टाइम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इसको टेस्ट किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर चार्जिंग टाइम, तो चलते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने मॉर्निंग पे 10:15 पे अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया था, और गाइज़ बिलीव मी मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा था वाईफाई पे, 33% बैटरी थी उस टाइम और फ़ोन चार्ज हुआ था 1 घंटे बाद की हम यहाँ पर बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे फ़ोन में 68% बैटरी हो गई थी 1 घंटे बाद, यानी कि 11:15 पे 68% बैटरी हो गई थी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 32-33% के आसपास फ़ोन चार्ज हुआ था। उसके बाद 12:15 की हम बात करें, 2 घंटे बाद हमारे फ़ोन में 95% बैटरी हो गई थी। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि 2 घंटे में हमारा फ़ोन 33% से 95% तक आ गया था। तो ये काफ़ी ठीक टाइम है, यानी कि 2.5 घंटे तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके फ़ोन को चार्ज होने में लग जाएंगे, तो काफ़ी सही टाइम है। तो गाइज़ अब यहाँ पर बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो मैं चलता हूँ यहाँ पर सेटिंग्स में और आपको दिखाता हूँ बैटरी में। देन आप यहाँ पर जाओगे तो देख सकते हो आप मेरे फ़ोन में 77 और 75 के आसपास बैटरी है, तो 75% के अराउंड यहाँ पर बैटरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 घंटे का ऑलमोस्ट स्क्रीन ऑन टाइम हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और मेरे फ़ोन को यहाँ पर चार्ज किए हुए 5 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी, तो बैटरी लाइफ मुझे लग रही है कि हाँ इस बार ही ठीक है। हो सकता है आपको 7 से 8 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम इस फ़ोन में देखने को मिले, बाकी फुल यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ आज पूरे दिन इसको, और मैं चैनल पर अपने कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, तो देखते हैं बैटरी लाइफ कैसी चलेगी। तो गाइज़ ओवरऑल जो ये डिवाइस है वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब पाई का जो अपडेट आएगा तब पता चलेगा कि क्या इसका हल होने वाला है, क्योंकि ASUS की तरफ से जो डिवाइस आया है वो इतना ज़्यादा बिका नहीं है। M2 जो M1 है तो काफ़ी अच्छा बिका था, क्योंकि आपने देखा कि इसका प्राइस भी यहाँ पर ड्रॉप हो गया 14,000, और हो सकता है ASUS ने जल्दीबाजी के चक्कर में अपडेट निकाला हो ताकि लोगों को लगे कि हाँ इसमें पाइक अपडेट आया है और लोग इस डिवाइस को यहाँ पर खरीद ले, तो ये मार्केटिंग भी हो सकती है, एक तरीके की चीप मार्केटिंग हो सकती है। तो भाई आपको ये ध्यान में रखना होगा, अगर आप इस फ़ोन को परचेज़ करने वाले हो तो डेफिनेटली बिल्कुल भी मत करना, आप मेरा कंपैरिजन देख लेना मैक्स प्रो M1 और M2 से रिलेटेड। तो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।